हेलो फ्रेंड्स, वेलकम, इट्स रविश सर हियर। तो आज मैं आपको ले जाऊंगा हमारी इस दुनिया में, जो दुनिया है द लिविंग वर्ल्ड। सो अ लिविंग वर्ल्ड इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज वैरायटीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, व्हिच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। तो इस चैप्टर में, जो आपका पहला चैप्टर है 11th स्टैंडर्ड का, सबसे पहले देखते हैं कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या स्टडी करना है। तो पहला हम लोग एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो वो क्वेश्चन है, व्हाट इज लिविंग। इसके बाद वी विल सी द डिफरेंट वैरायटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसको डाइवर्सिटी कहते हैं, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, कि लिविंग वर्ल्ड को किस तरह क्लासीफाई किया जाता है। थर्ड, वी आर गोइंग टू स्टडी द डिफरेंट कैटेगरी। तो लिविंग वर्ल्ड को स्टडी करने के लिए हम लोगों ने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं उनको हम लोगों ने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया। सो दीज आर द कैटेगरीज, यू मस्ट बी नोइंग स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम। और लास्ट में आपको स्टडी करना है टैक्सोनॉमिकल एड्स। तो वो सारा इन्फॉर्मेशन, वो सारा मटेरियल जिससे हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं, उनको क्लासीफाई करते हैं, उसको कहते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स। तो उसमें आपको स्टडी करना है हर्बेरियम, जहाँ पे प्लांट्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है, बॉटनिकल गार्डन्स, म्यूजियम्स, जूलॉजिकल पार्क जिसको जू भी कहते हैं, चिड़ियाघर, और लास्ट में आपको स्टडी करना है कीस। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग द चैप्टर वन लिविंग वर्ल्ड का इंट्रोडक्शन देखते हैं। हमारी दुनिया बहुत ही वंडरफुल है। इट्स वंडरफुल बिकॉज बहुत सारे लिविंग टाइप्स हमारे आसपास जो दिखाई देते हैं, दे आर अमेजिंग, दे आर रियली अमेजिंग। यू कैन सी द ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स, आपने देखा होगा कभी घोड़े को दौड़ते हुए, द माइग्रेटिंग बर्ड्स इन द इवनिंग और इन द मॉर्निंग, द वैली ऑफ फ्लावर्स ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन एंड द शार्क, आई थिंक इन द वीडियोज और फिल्म्स वी हैव सीन द शार्क अटैकिंग। सो इट इवोक्स ऑसमनेस एंड अ डीप सेंस ऑफ वंडर। यानी कि द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इतना ह्यूज है कि कभी कभी हमें आश्चर्य होता है कि सचमुच इतने टाइप्स के लिविंग वर्ल्ड ऑर्गेनिज्म्स है दुनिया में। और न केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स, लेकिन जहाँ पे ये पाए जाते हैं एक्स्ट्रॉर्डनरी हैबिटेट्स आपको मिलेंगे। हर जगह पे आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म्स मिलने वाले हैं, कोल्ड माउंटेन, डेसिडस फॉरेस्ट, ओशियंस, फ्रेश वाटर लेक्स, डेजर्ट, हॉट स्प्रिंग्स, इट्स अमेजिंग, इट्स स्पीचलेस। नाउ इस अमेजिंग दुनिया को देखने के बाद जो पहला क्वेश्चन हमारे मन में आता है वो है, व्हाट इज लिविंग। लिविंग किसको कहा जाता है? तो आइदर यू कैन से व्हाट इज लाइफ, और यू कैन से व्हाट इज लिविंग मैटर। सो दे आर ऑल इंटर रिलेटेड। और लाइफ या लिविंग थिंग्स को डिस्क्राइब करना एक कॉम्प्लिकेटेड थिंग है, लेकिन हम लोग यहाँ पे ट्राई करेंगे लिविंग या लाइफ या लिविंग मैटर को डिफाइन करने के। क्या होता है लिविंग, किसको कहते हैं? तो लाइफ इज यूनिक, ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल विच एक्सप्रेसेस थ्रू केमिकल रिएक्शंस विच लीड्स टू ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस, एडाप्टेशन एंड रिप्रोडक्शन। तो इसका मतलब क्या है? तो कोई भी लिविंग फॉर्म अगर आप लेते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया है जो सबसे सिंपल है, या हम लोग खुद जो ह्यूमन है, उन सब में कुछ चीज़ें कॉमन है। तो हम सब एक केमिकल फैक्ट्री है जिसमें अलग अलग टाइप के केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, और इन रिएक्शंस की वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होते हैं, जिनमें है ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस, एडाप्टेशन एंड रिप्रोडक्शन, जिसको आपको स्टडी करना है। तो हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को डिफाइन अभी कर सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग, जो खुद से मल्टीप्लाई हो सकता है, इवॉल्विंग, उसमें लगातार चेंजेस होते रहते हैं, और एक सेल्फ रेगुलेटिंग इंट्रैक्टिंग सिस्टम है। तो बॉडी के अंदर जितने भी सिस्टम है सब एक दूसरे से मिल के काम करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट फिनोमेना जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को नॉन लिविंग चीज़ों से सेपरेट करता है या डिस्टिंग्विश करता है, वो है रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स उसके आसपास जो चेंजेस आते हैं उनको वो सेंस करता है, बाद में उस पर प्रतिक्रिया देता है, इसको कहते हैं सेंसिटिविटी। ना ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म्स, यू नो, उनका बेसिक यूनिट है सेल, और सेल के अंदर जो लिविंग मैटर होता है उसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। और आपको मालूम होगा कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ।
सो ऑल द प्रोसेस ऑफ लाइफ जितने भी हो रहे वो सब सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म में होता है। इसके लिए हक्सली ने राइटली प्रोटोप्लाज्म को कहा है फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, और इसी को असली लिविंग मैटर कहते हैं, बिकॉज जिन ऑर्गेनिजम्स में प्रोटोप्लाज्म एक्टिव है वही लिविंग कहलाते हैं, अदरवाइज दे आर कॉल्ड डेड। और इटी प्रोटोप्लाज्म की वजह से लाइफ के सारे प्रॉपर्टीज शो होते हैं। नाउ लेट्स बिगिन विद द टॉपिक द यूनिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स लिविंग है, मैंने बोला जैसे बैक्टीरिया से लेके आप ह्यूमन तक कंपेयर कर सकते हैं, उन सब में कुछ चीज़ें कॉमन है। इसमें से कुछ फीचर्स को आपको डिटेल में स्टडी करना है, तो सबसे पहले हम लोग कुछ यूनिक फीचर्स को लेते हैं। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बनता है, चाहे वो सिंगल सेल बैक्टीरिया हो या हमारे जैसा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होता है और उसके साथ में डेवलपमेंट होता है। बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस होते हैं उसको हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं, चय अपचय क्रिया कहते हैं उसको। उसमें दो टाइप्स है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। देन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म्स अपने आप को मल्टीप्लाई करता है विद द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्शन। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आसपास के चीज़ों के हिसाब से रिएक्ट करता है, उसको कहते हैं कॉन्शियसनेस, उसी को सेंसिटिविटी भी कहते हैं। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म्स में इंटरनल एक्सटर्नल चेंजेस आते हैं, उसको मूवमेंट्स कहते हैं। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म्स जो है अपने आसपास के कंडीशन के हिसाब से अपने आप में चेंजेस लाता है, दैट इज कॉल्ड एडाप्टेशन एडजस्टमेंट। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में समय के साथ साथ जो चेंजेस आते हैं जिससे नया स्पीशीज तैयार होता है, नया वराइटीज तैयार होता है, उसको कहते हैं एवोल्यूशन। और लास्ट में हर लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के लाइफ साइकिल के एंड में डेथ आता है। तो दीज आर सम ऑफ द यूनिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स एंड गोइंग टू स्टडी सम ऑफ देम इन डिटेल। सो bye bye for today, we will meet next time, till then hello bye.